साकिब, ये क्या कर रहे हो? भाईजान, ये अब्बा ने कहा था मस्जिद की दीवार पे लगाने के लिए। अब्बा मस्जिद के इमाम हैं या उसके मालिक? मस्जिद अल्लाह का घर होती है, उसमें कोई भी आ जा सकता है, वो किसी एक फिरके के लिए नहीं होती। आपने ये फेंक तो दिया, पर अब्बा नाराज होंगे आपसे। उनकी सुनना मेरी आदत है, तुम जाओ। पर भाईजान, ये देखो बेटा, मैंने तुम्हें हदीस बताई थी ना, ये देखो, आप खुद देख लो। अरे आ गए आप, अंदर कहाँ जा रहे हो? इधर आइए। हमने मस्जिद के बाहर तख्ती लगवाई थी, आपने वो क्यों हटवा दी? क्या आप आलिमों से ज्यादा जानते हैं? अबू, कब तक आप ऐसे बुजुर्ग आलिमों को देखते रहेंगे? उनसे भी कोई गलती हो सकती है। पहले कुरान को देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, फिरकों में बंटने वाले ईमान वालों में से नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, तुम ही कुरान के बारे में सबसे ज्यादा जानते हो, तुमने ही कुरान को समझा है। जब तुम नमाज के लिए जाते हो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम फर्ज और सुन्नत मौकदा पढ़ के घर में आते हो। अबू, कम से कम जितनी पढ़ता हूँ उसमें मैं और मेरा अल्लाह तो होता है। उन लोगों की तरह तो नहीं हूँ जो नमाजें तो इतनी लंबी लंबी पढ़ते हैं पर पूरी नमाज में सारे कारोबार का हिसाब लगा लेते हैं। बस एक तुम ही नेक हो, ना दाढ़ी है, ना सुन्नत है और ना ही लिबास है। देखो अपने भाई को, सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत दाढ़ी लग रही है, सबक लो इससे। दाढ़ी तो इसकी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, पर जरा इससे ये पूछिए, ये दाढ़ी जो इसने रखी है ये अल्लाह के डर से रखी है या आपके डर से? न मेरे डर से रखी, न किसी और के डर से, ये अल्लाह का हुक्म है। कम से कम उन दाढ़ी वालों से तो बेहतर हूँ जो इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां रखकर सूद लेते हैं, शराब पीते हैं, बुरे काम करते हैं। जाकर पहले अब्बा उन्हें बताइए कि जो दाढ़ी उन्होंने रखी है वो अल्लाह के रसूल की दाढ़ी नहीं है, अबू लहब की दाढ़ी है। अजीब लड़का है ये, इससे तो बात ही करना फिजूल है, बदतमीज है ये, बेअदब हो गया है, इसके तो कुछ समझ में नहीं आता, नालायक कहीं का। चलो नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए चलते हैं, अल्लाह से दुआ करेंगे इसके लिए, अल्लाह इसको हिदायत दे। अबे साले, रोज 5 साल से तू उसको देख रहा है और एक वो है जो तुझे घास तक नहीं डालती। वो मुझे रोज देखती है। अच्छा, पर इसे सिर्फ मैं समझ सकता हूँ या वो समझ सकती है? अच्छा, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है? अच्छा एक बात बता, कभी प्रपोज भी किया या नहीं किया? इश्क अय्याशी के लिए नहीं किया जाता, शादी के लिए किया जाता है। जिस दिन शादी के लायक हो जाऊंगा ना तो बोल दूंगा, मैं जानता हूं मना नहीं करेगी। ले आ गई तेरी महबूबा। अच्छा एक बात बता, ऐसा क्या है इसमें? सर पर दुपट्टा डाला हुआ है, सीधी सादी सी लड़की है। इसके माँ बाप का किरदार, जिन्होंने इस दौर में भी अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए। हेलो,
यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। वो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? 5 साल से वहाँ गली में बैठ के मुझे घूर रहे हो, और आज अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हिम्मत तो पहले ही दिन से थी, पर सोच रखा था जिस दिन इस काबिल हो जाऊंगा तो बोल दूंगा। देखो अब बहुत देर हो चुकी है। थोड़ी देर ही तो हुई है, नामुमकिन तो नहीं हुआ ना। मैं तुम्हारे लिए बस अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। ऐसा झूठा प्रपोज मत करना। तुम ही बताओ क्या बोलूं। कुछ ऐसा बोलो जो दिल को अच्छा लगे। तुम्हारा नाम क्या है? सोना जोसेफ। सोना, मैं तुम्हारा और तुम्हारी ख्वाहिशात का बोझ सारी जिंदगी उठाने के लिए तैयार हूँ। बोझ? मैंने तुम्हें ऐसा बोला था, ऐसा बोलो जो दिल को अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि दिल दुखे। अगर कोई लड़का किसी लड़की से ये कहता है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आसमान के चांद तारों की बात कर रहा है। इसका मतलब होता है वो सोचता है अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग करने गया और उसकी पॉकेट में सिर्फ 2000 रुपीज हुए। पहले उसने जो अपनी वाइफ के लिए सूट देखा सिर्फ वही 2000 रुपीज का हुआ, तो उसने अपने लिए कुछ ना लेकर सिर्फ वाइफ के लिए वो 2000 रुपीज का सूट ले आया। शायद उसका ये अपनी ख्वाहिश कुर्बान करने का जज्बा उन आसमान के चांद तारे तोड़ लाने से ज़्यादा बड़ा है। सोना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने आप को भी। जहाँ मेरे फादर मुझे भेज रहे हैं वहाँ से आना मेरा नामुमकिन है, और मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके मुझ पर बहुत एहसान है। आयन, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। आयन, तुम्हें मेरा नाम मालूम है? आयान अली खान, आप इमाम साहब के बेटे हो ना? अरे तुम मुस्कुरा रहे हो। मुझे आज तक तुम्हारा नाम मालूम नहीं है, और तुम्हें मेरा तो मेरे अब्बा तक का नाम मालूम है। अब तुम नीचे देख के ऐसे मुस्कुराते रहोगे? अगर तुम 2 दिन और लेट हो जाते तो पता क्या हो जाता? कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम नहीं जानती, अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो और आपके दिल में सच्चाई हो, उसे आपसे मिलाने के लिए सारी कायनात लग जाती है। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारे फादर से मिलने के लिए, और उनसे तुम्हारे और मेरे लिए बात करूंगा, तुम मेरा इंतजार करना। सोना बिटिया। जी पापा। देखो बाहर कौन है। हाँ देखती हूँ पापा। हेलो। अरे तुम आओ। पापा आपसे कोई मिलने आया है, ये आयान है। कैसे आना हुआ? अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल करूं। हाँ बेटा बोलो, क्या पूछना चाहते हो? आप अपनी बेटी को एक नन बनाने के लिए भेज रहे हैं, क्या कभी आपने ये जानना भी चाहा कि ये सच्चे दिल से बनना चाहती भी है या नहीं? देखो बेटा, गॉड के रास्ते में अपने सारे एहसास, अपनी सारी खुशियां सब त्यागना पड़ता है। अगर संसार की खुशियां त्यागने वाले ही गॉड के सबसे करीबी होते तो गॉड एक औरत को माँ क्यों बनाता? और अगर माँ बनाता भी तो माँ बनने के बाद उसकी इतनी इज्जत क्यों बढ़ा देता? गॉड चाहता तो ईसा भी मरियम को झाड़ियों में किसी एक अनाथ बच्चे की तरह पड़े हुए मिल सकते थे, लेकिन नहीं फादर, गॉड ने ईसा को मरियम की कोख से पैदा किया, और वो भी बिना एक बाप के। फादर, क्या आपने कभी ऐसा सोचा? मैंने ये कभी नहीं सोचा। फादर, गॉड को माँ की पूरी कायनात में इज्जत बढ़ानी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। देखो बेटा, मैंने बाइबल का हर हिस्सा याद किया है, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो, क्या कह रहे हो, आखिर क्या मकसद है तुम्हारा इस बात से? फादर, मैं आपकी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तुम हो कौन? आयान अली खान, मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब का बेटा। तुम मुसलमान हो, हम ईसाई हैं। तुम्हारे यहाँ तो गैर मजहब में शादी जायज ही नहीं है। फादर, कोई मुसलमान जब तक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो ये ईमान ना लाए कि ईसा मरियम के बेटे थे और वो बिना एक पाप के इस दुनिया में आए थे और वो प्रॉफिट ऑफ गॉड थे। मेरा इस बात पर सच्चा ईमान है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम एक ईसाई लड़की से शादी कर सकते हो? फादर, इस्लाम में तो एक खुदा को मानने वाले हर इंसान की बेटी से शादी करने की इजाज़त है, पर यह भी सच है कि
कि सोना उनमें से नहीं है। अभी तो तुमने कहा तुम ईसा को मानते हो। फादर, मैं ईसा को गॉड का मैसेंजर मानता हूँ, गॉड का बेटा नहीं। पर वो तो गॉड के बेटे थे ना, और बाइबल में उनको बार बार बेटा कहा गया है। फादर, काश मुसलमानों ने कुरान को और ईसाइयों ने बाइबल को पढ़ने की जगह समझा होता तो आज इस दुनिया के हालात और ही कुछ होते। तो तुम कहना क्या चाहते हो? गॉस्पल ऑफ जॉन्स चैप्टर नंबर 20 वर्सेस नंबर 17, यीशु ने अपने एक साथी से कहा, मेरे भाइयों के पास जा और उन्हें बता कि मेरे परमपिता जो तुम्हारे परमपिता भी हैं, मेरा परमेश्वर जो तुम्हारा परमेश्वर भी है, उसके पास मेरे जाने का समय आ गया है। फादर, मैं जानता हूँ कल की ट्रेन से आप सोना को नन बनाने के लिए भेज रहे हैं, और उसी टाइम की दूसरी ट्रेन से मैं भी हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली चला जाऊँगा, क्योंकि जब ये यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ रहकर क्या करूँगा। और मैं जानता हूँ फादर, इस इलाके में आपकी बहुत इज्जत है। मैं या सोना कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आपकी इज्जत पर जरा सी भी आँच आ जाए, और इसके बिना मेरी ज़िंदगी का मकसद ही क्या। फैसला आपके हाथ में है, अगर आप चाहें तो सोना को गोवा की ट्रेन में बिठा दीजिएगा या मेरे साथ दिल्ली की ट्रेन में बिठा दीजिएगा। गुड बाय फादर। जान वफा मेरी तू जाने जाती है, तेरी एक हंसी मेरे दिल को तड़पाती है, क्यों जाने वफा मेरी तू जाने जाती है। जाने क्या कहूँ बेखबर से कि एक तू ही आरज़ू है, जाने ज़ुबान खामोशियों है निगाहों से जो गुफ्तगू।
कॉफी ले आओ। नहीं, हम लोग चाय पियेंगे। बेबी, यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है, आप पीकर तो देखिए। कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हम सिर्फ चाय पियेंगे और आप भी पियेंगे, समझे? एक कॉफी और एक चाय ले आना। मैं आपकी खुशी के लिए सारे काम करती हूँ और आप मेरी खुशी के लिए एक चाय भी नहीं पी सकते। हमारी शादी को 6 महीने हो गए, तुम्हारा ये बच्चों की तरह जिद करना अभी तक खत्म नहीं हुआ। जाओ, दो चाय ले आओ। जी। एक किताब को लिखने में लेखक अपनी जिंदगी गुजार देता है, मगर इस नौजवान शख्स ने अपनी 25 साल की उम्र में न जाने कितनी किताबें लिख डाली और हर किताब एक से बढ़कर एक थी। लेकिन इस किताब ने, जिसका नाम दी बुक है, बड़े बड़े लेखकों को हिला दिया। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सोच के सागर में डूब के जो अनमोल तोहफा हमें दिया है, वो काबिले तारीफ है। मिस्टर अयान अली खान। साहब, खाना लगा दूं आपके लिए? मुझे अभी भूख नहीं है। तो साहब, मैं चलूं घर पर? रात बहुत हो गई है, घर जाकर भी तुम्हें सोना ही है, यहीं सो जाओ। अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी साहब, मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, बोल दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो खाना खा लीजिए। अरे चलो चलो ना बाबा, खाना खा लीजिए। बर्दाश्त की हद हो चुकी है। तुम मुझे बर्दाश्त कर रही हो? एक हस्बैंड अपने वाइफ को मशवरा भी नहीं दे सकता? हाँ, मशवरे? कभी मशवरे दिए हैं तुमने मुझे? सिर्फ फैसले सुना दिए हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ, और तुम मुझे बर्दाश्त कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हें प्यार करती हूँ मैं। तुम मेरी छोटी छोटी चीजों पे नजर रखते हो। मैं किससे मिल रही हूँ, किससे नहीं मिल रही, कहाँ आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हो। आयान, तुम मुझ पे शक करते हो? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? जानती हो, जितना प्यार तुमने मुझसे किया है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अगर तुम मेरे प्यार करने को शक करना समझती हो ना, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी, और तुम पर हक जताता हूँ। वो इसलिए कि तुम्हारे कहीं आने जाने का ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? और तुम्हारा मेरी बीवी होने के नाते ये मेरा हक बनता है कि मुझे मालूम होना चाहिए मेरी बीवी कहाँ आती है, कहाँ जाती है और किससे मिलती है। देखो यान, ऐसे हमारी जिंदगी नहीं चल सकती है। कभी तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता, कभी तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता, बस तुम्हें अच्छा लगता है तो सिर्फ अपना काम। देखो सोना, तुम मेरे काम को बीच में नहीं लाओगी? लाऊंगी, मैं तुम्हारे काम को बीच में लाऊंगी। आज तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें काम चाहिए या बीवी। तुमसे तो बात करना ही बिल्कुल बेकार है।
बता दे क्या खता हुई है हमसे, जिया जो हर सांस तेरे दम से, मैं रोया रोया चलो साइड 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 रोको रोको इधर करो इधर 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 चलो 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 पेपर निकालो चलो लाइसेंस दिखाओ पेपर दिखाओ निकालो निकालो ए चलो 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 ए रोको 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 चलो साइड साइड में लाओ रोको रोको चलो पेपर निकालो लाइसेंस दिखाओ निकालो एक मिनट अभी दिखाता हूँ अरे अरे मेरे वॉलेट क्या हुआ कहाँ गया लाइसेंस देखिए मेरे पेपर मेरी बात सुनिए मेरे पेपर घर पर रह गए मैं अभी नौकर से मंगा देता हूँ प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए मुझे एक मिनट दीजिए मैं अभी अपने नौकर से अपना लाइसेंस मंगा लेता हूँ क्या हुआ शैलेंद्र प्लीज रुकिए तो ना तो इनके पास लाइसेंस है और ना गाड़ी के पेपर है अरे अजय अरे आयान तू कैसा है तू मैं अच्छा हूँ भाई शैलेंद्र जी क्या कर रहे हो आप भाई किसका चालान काट रहे हैं आप जानते हो कौन है ये हिंदुस्तान के मशहूर लेखक हैं ये मिस्टर आयान मालूम नहीं था साहब अरे यार हम तो राइटिंग के हीरो हैं तुम तो रियल हीरो हो हाँ ये बात तो है देख जितनी लड़कियां कॉलेज में मरती थी ना आज भी उतनी ही मरती हैं तू नहीं बदला यार अजय बिल्कुल जैसा था वैसे ही है पर तूने बताया नहीं तू इस शहर में कब आयो अरे यार अभी 2 महीने पहले ही तो मेरा इस शहर में ट्रांसफर हुआ है और फिर तू जानता है पुलिस की नौकरी में टाइम कहाँ मिलता है घर बार बीवी बच्चे चल मेरी छोड़ और बता भाभी कैसी हैं ऐसा है इस टाइम में बहुत जल्दी में हूँ तुझसे मैं बाद में मिलता हूँ और बहुत सारी बातें करना है ठीक है बाद में मिलते हैं ठीक है बाय ये आयान को क्या हुआ कुछ बदला बदला सा लग रहा है आयान मैं तुम्हें 4 घंटे से फोन लगा रही तुम्हें मेरा फोन नजर नहीं आया अब मैं खाना लगा देती हूँ खाना खा लो मुझे भूख नहीं है जब से तुमने कल से दंगे की न्यूज देखी है तुम्हें भूख है ही नहीं मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है तो चिल्ला क्यों रहे हो तुम्हें जरा सा ये एहसास है वहाँ कितने मासूम बच्चे भूखे होंगे मासूम बच्चे तुम्हें मासूम बच्चों की नहीं सिर्फ मुसलमानों की फिक्र है जो मारे गए आयान बस अब ये बाकी रह गया था ऐसा कब तक चलेगा अपनी हालत तो देख क्या हाल बनाकर रखा है तूने मुझे तो ताजुब होता है कि तू वही सोना है जो कॉलेज के दिनों में सबको हंसाया करती थी और आज खुद हंसना भूल गई है यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं मैं लाख कोशिशों के बावजूद भी आयान को भुला नहीं पा रही हूं तू अब भी उसके बारे में सोच रही है जिसने तेरी ये हालत कर दी तुझे घुट घुट कर जीने पे मजबूर कर दिया यार तू ही बता मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी एक बात मान सबसे पहले तू ये शहर छोड़ दे इस शहर से तुम्हारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं तू शिमला आंटी के पास चली जा अरे हाँ यार मैं तुझे बताना भूल गई रोहन कनाडा से वापस आ गया है कौन रोहन वही जो कॉलेज के दिनों में हमारे साथ पढ़ा करता था ओ अच्छा रोहन आज भी तेरे बारे में बहुत सारी बातें करता है मेरी एक बात मान तू एक बार रोहन से मिल ले हो सकता है उससे मिलने के बाद तेरा नजरिया बदल जाए यार तू ठीक कह रही है मैं कल ही शिमला मम्मी के पास चली जाती हूँ गुड गर्ल तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है मुझे तो पहले ही पता था कि आयान तेरे लायक ही नहीं है बेटा हम तो तेरी खुशी में खुश थे तेरे हर गम को सीने में छुपा लेंगे हैं जो आंसू तेरे आंखों से बहे उन्हें पलकों पे बसा लेंगे बहुत ही बकवास शायरी है क्या बात कर रही हो यार सबको मेरी शायरी पसंद आती है वाह वाह करते हैं और तुम्हें मेरी शायरी पसंद नहीं आ रही है और ना ही कभी आएगी
जाने दो यार। आंटी जीते नमस्ते, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और कब आए तुम इंडिया? बस ये तशरीफ कनाडा से इंडिया पिछले हफ्ते ही पहुंची है। ओके। और जैसे हमें पता चला कि आप लोग यहाँ हैं, माँ बदौलत भागते भागते आप लोग यहाँ हाजिर हो गए। लग तो नहीं रहा कि कनाडा से आए हो, ऐसा लग रहा है अफगानिस्तान से आए हो। तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है आंटी। आओ बैठो बैठो। आप बैठिए, आप बैठिए। हाँ जी। और बताओ रोहन, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ बस में? बस यार कुछ खास नहीं। और इंडिया कब तक रुकोगे? अब वापस जाने वाला नहीं हूँ, अब इंडिया में ही रहूंगा। इसका मतलब शादी करने वाले हो? यार तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा हूँ। तुम कहोगी तो कल ही शादी कर लेंगे। तुम बिल्कुल नहीं बदले ना रोहन। ये लो गर्मा गर्म चाय तुम दोनों के लिए। थैंक यू आंटी। आंटी अब आप ही समझाइए ना इसे। ये तो समझाओ, इसे समझाना क्या है? देखिए इतने सालों बाद इंडिया आया हूँ, कहीं घूमने चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। तुम सोना को अपने साथ जरूर ले जाओ। माँ हाँ। आप भी ना। चली जा बेटा, और फिर तू बाहर जाएगी तो तेरा दिल भी बहल जाएगा। प्लीज। ठीक है, ये हुई ना बात। ठीक है, कल 12 बजे। चार, सी यू, बाय। अरे रोहन, खाना तो खा के जाओ। सोना मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी बीवी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे किसी हाल में ऐसा करने नहीं दूंगा, किसी भी हाल में ऐसा करने नहीं दूंगा मैं उसे। हेलो, मैं अन बोल रहा हूँ। मैंने बोला ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सोना तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लौट आओ प्लीज। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। और वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जो तुम कहोगी वही करूंगा। जो एक बीवी को चाहिए अपने शौहर से, वो तो तुम मुझे कभी दे नहीं सके, और तुम्हारी दौलत का मैं क्या करूंगी? सोना देखो, झगड़े तो हर घर में होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई किसी से इस तरह से नाराज हो जाए जैसे तुम मुझसे नाराज हो। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, पर इसका ये तो मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखो आयान, अब सब कुछ बदल चुका है, मैं भी और मेरा दिल भी। प्लीज हमारे प्यार की खातिर लौटो, जिस प्यार की कसमें हम दोनों ने मिलकर खाई थी। तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता, अब तो ऐसा लगता है जिंदगी रुक सी गई है। जब तक तुम नहीं आओगे आगे नहीं चल पाएगी। देखो आयान, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। प्लीज मेरी बात सुनो सोना। हेलो हेलो सोना, कैसा है गिला बता मुझे तू, जो मिला है सिला मुझे तुझी से। मरोया रोया मरोया रोया मरोया रोया मरोया रोया।
में तुझको पढ़ूं मैं, पलकों में पलता है तू, तू आईना है मेरा, मुझसा ही दिखता है तू। हरफों में तुझको पढ़ूं मैं, पलकों में पलता है तू, तू आईना है मेरा, मुझसा ही दिखता है तू। बता दे क्या खता हुई है हमसे, ये जो हर सांस तेरे दम से, मैं रोया रोया मैं रोया रोया मैं रोया रोया मैं रोया थक सा गया हूँ चलते चलते, मैं रोया रोया 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 हेलो हे शाणे, दुनिया के लिए तू बहुत बड़ा राइटर रहेगा, समझा ना, मेरे लिए तू एक नंबर का चोर है। क्या बकवास है? ए मेरी बात सुन, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत मत कर, मेरी कहानी चुरा के छाप दी तूने, वहीं आके ठोक डालूंगा तुझको। जस्ट शट अप, रॉन्ग नंबर। शादी करोगी? रोहन शायद तुम भूल रहे हो, मैं एक शादीशुदा हूँ। तुम शादीशुदा थी, मैं जानता हूँ तुम आयान को छोड़ चुकी हो। देखो मैं अपनी दिल की बात तुमसे कह नहीं सका, मैं तुमसे दूर चला गया और तुम्हारी शादी हो गई, और आज फिर से मुझे एक मौका मिला है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। रोहन तुम्हें ये अचानक हो क्या गया है? तुम्हें देख के ना सोए हुए अरमान फिर से जाग उठे हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम सोच समझ कर। रोहन तुम पूरे पागल हो ना। वो तो मैं हूं। रोहन चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब चलो बाबा यहाँ से। नहीं, चलो मुझे नहीं जाना। अरे चलो ना प्लीज चलो।
मिस्टर आपसे ही पूछ रहा हूँ, यहाँ कैसे आ गए आप? गेट से। किससे मिलना है? आपसे। मुझसे? इतना मशहूर लेखक, करोड़ों दिलों की धड़कन, सब पे छा जाने वाला फेमस राइटर, उसका घर थोड़ा उसके हिसाब से नहीं है, छोटा है। आप शायद मुझे पहचानते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको अपनी पहचान बताता हूँ। मेरा नाम है नावेद राणा। आपने अपने करियर में बहुत किताबें लिखी होंगी, बहुत शोहरत कमाई होगी। ये जो आपने किताब लिखी जिससे आप इतने मशहूर हो गए, वो क्या? किताब मेरी है। क्या? आपकी? हाँ, मेरी। मैं चाहता हूँ कि आप सारी मीडिया के सामने, रेडियो के सामने, न्यूज़पेपर के सामने अपने उस गुनाह को कबूल करें। गुनाह क्या? अच्छा, ये कहानी जो मैंने लिखी थी वो आपने चुराई थी। हाँ, आपने चुराई थी 15 दिन में। जी जी, बिल्कुल कर दूंगा। 15 दिन क्या, 10 दिन में कबूल कर लूंगा। 10 दिन में? जी जी, बिल्कुल कर लूंगा। नवेद राणा नाम है मेरा। हाँ हाँ, राणा जी, अब जाइए आप यहाँ से, प्लीज जाइए जाइए। फिर से आऊंगा। आपका अपना घर है, जब चाहे आइएगा। फिर से आऊंगा। जाइए प्लीज। बंगला कुछ छोटा है। हाँ, जाइए जाइए। साहब, ये कौन था जो आपकी किताब को अपनी किताब बता रहा है? पता नहीं कौन पागल था, सुबह ही सुबह दिमाग खराब कर गए। साहब, हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। लेकर आओ। जी साहब। सोना, तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ। मुझे मालूम है तू क्या सोच रही है। तू यही सोच रही है ना कि मैं तेरे फैसले से खुश हूँ या नहीं? बेटा, मैं तेरे फैसले से बहुत खुश हूँ। रोहन बहुत अच्छा लड़का है। माँ भी ना कुछ भी सोचती हैं। मैं तेरे भले के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि रोहन तुझे चाहता जो है। माँ, रोहन बस मेरा अच्छा दोस्त है। वो एक अच्छा पति भी साबित होगा बेटा। फिर मेरा क्या भरोसा, मैं इस दुनिया से कब चली जाऊं? माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ, तेरा घर बसते हुए तेरे बच्चे देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू रोहन से शादी कर ले। रोहन तुझे बहुत खुश रखेगा बेटा। माँ, परेशान मत होइए, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हेलो सर। हेलो जी, बोलिए। मैं मिस सोना का वकील आरके शर्मा हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ खास नहीं, बस सोनिया जी ने डाइवोर्स के पेपर भेजे हैं, उस पर साइन करना है। अगर ना करूँ तो मजबूरन हमें कोई और कदम उठाना पड़ेगा। सोना मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती, अगर ये इंसान पहले ही समझ ले तो उसे ये दिन देखना ही नहीं पड़े। ठीक है, आप छोड़ जाइए, मैं साइन कर दूंगा। कुछ पेपर और भी हैं, इन पे भी आपको साइन करने हैं। ये किस चीज़ के पेपर हैं? आप अपना बंगला पहले ही सोना जी के नाम कर चुके, ये बाकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो आप अपनी मर्जी से उनके नाम कर रहे हैं। ये पेपर सोना ने भिजवाए हैं या उसकी माँ ने? पेपर किसी ने भी भिजवाए हों, आपको सिर्फ साइन करना है। मैं जानता हूँ, ये सब उसकी माँ का करा धरा है। सोना को कभी दौलत का लालच नहीं था, वो मुझसे कल भी प्यार करती थी और वो मुझसे आज भी प्यार करती है। मिस्टर अयान, अगर सोना जी आपको प्यार करती तो ये डाइवोर्स के पेपर ही नहीं भेजती। अयान जी, मैं एक वकील हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अक्सर इंसान अपनी गलती दूसरों के सर मंड देता है, उसे अपने अंदर कमी नज़र नहीं आती। इस दुनिया में अगर किसी का घर टूटता है तो उसकी अपनी गलती की वजह से, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई किसी का घर तुड़वा सके। माफ़ करना अयान जी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, आई एम सॉरी। अच्छा, मैं चलता हूँ। मेरे घर में? और ये किस तरह लेटे हो? ए
ऐसे? मैं तुझे प्यार से समझाने आया हूँ, एज ए गेस्ट। देखो तुम अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराओ। डॉक्टर मतलब? दिमाग के डॉक्टर से। तुझे लग रहा मैं पागल हूँ? मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, और अगर मैं बुराई पे आ गया ना तो मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, तड़पेगा, तड़ 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 तड़। तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसे फालतू लोगों की धमकी में आने वालों में से हूँ? अरे यार देख, मैंने वो जो कहानी लिखी थी अपने आप को सुधारने के लिए, जीवन को बदलने के लिए, अपनी इमेज के लिए, अब तेरी वजह से खुद को सुधार नहीं पाया। मैं अपने आप को बदलना चाहता था, अगर तूने मुझे बदलने नहीं दिया तो मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। क्या कहा तूने? अगर मैंने तेरी जिंदगी बदल दी ना तो तेरी जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी, डांस हो जाएगी, डांस दिना दिन था था। अब्दुल बाहर निकालो इसे। मैडम आयान जी ने अभी तक पेपरों पे साइन नहीं किए। आपने उन्हें ठीक से समझाया नहीं होगा। देखिए मैडम, हमारा सारा काम कानून के दायरे में होता है, अगर आप उनसे बात करें तो शायद जल्द से जल्द वो साइन कर दें। अगर वो नहीं माने तो? नहीं माने तो हमें और भी तरीके आते हैं, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है मैं देखती हूँ। ओके मैडम मैं चलता हूँ। ठीक है। हेलो सोना, मुझे मालूम था तुम फोन जरूर करोगी। देखो मैंने फोन इसलिए किया है, तुमने तलाक के कागज पर साइन क्यों नहीं किए? इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें तलाक लेने की? क्या तुम सब भूल गई? वो कस्में, वादे, वो पल जो हमने एक साथ गुजारे थे? जानती हो वो आज भी मेरे अंदर वैसे ही हैं। मैंने सिर्फ तुम्हें इसीलिए फोन किया है कि मुझे जल्द से जल्द तलाक के पेपर्स पर साइन चाहिए। सोना तुम नहीं जानती मैं किस तरह रह रहा हूं। प्लीज सोना एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो सोना, प्लीज। ठीक है घर आ जाओ। ठीक है मैं कल तुमसे मिलने आता हूं। अब्दुल जी साहब चाय लेकर आओ। अभी लाए साहब। आज का पेपर कहाँ है? वही होगा साहब। ये लीजिए साहब चाय है? अरे साहब ये तो वही आदमी जो यहां आए थे। साहब आप क्यों घबरा रहे हो? कुछ नहीं, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। अभी लाता हूं साहब। ये तो एक हथियारा है। हाँ, सोना इसमें कहां हो सकती है? फोन क्या यार? हेलो। हेलो सोना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? हम तो आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। रोहन तुम ना पूरे पागल हो, तुमने अपने पागलपन का इलाज कनाडा नहीं करवाया? अरे यार इस पागलपन का इलाज कनाडा में नहीं हो सकता है, सिर्फ इंडिया में हो सकता है, और वो भी शिमला में। तो मेरे पास तुम्हारे पागलपन का इलाज है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, वहाँ तुम्हारे इस पागलपन का इलाज हो सकता है। क्या बात कर रही हो, ऐसा है? ठीक है तो पहले मंदिर चलते हैं और उसके बाद खाने पे। ओके बाबा ठीक है। राइट पंगी बेटा।
चाहे क्या तेरे दिल ने है सुना ये प्यार तुझसे करना चाहे क्या तेरे दिल में है जगह ना 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 ये ना कहना ये दिल है छोटा सा मेरा ना 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 ये ना कहना ये दिल है छोटा सा मेरा इसमें कैसे होगा तेरा बसेरा तन्हा है तन्हा है दिल ये मेरा तन्हा है तन्हा है ये कैसा मंदिर है यहाँ भगवान की मूर्ति नहीं है शायद तुमने ध्यान नहीं दिया क्या तुम्हें एक ईसाई लड़की लेकर आई है नमस्कार अरे पंडित जी कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ बहुत दिनों बाद आए आप पंडित जी ये मेरे दोस्त रोहन नमस्ते नमस्कार इन्हें थोड़ा ईश्वर में ध्यान कराइए आइए आइए मैं आपको ध्यान करवाता हूँ आप भी प्रार्थना कर लीजिए जी पंडित जी आइए जी चलिए कर रही है एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है और मैं हिंदू होकर ध्यान लगा रहा था और आप इस सब का मतलब आप इस सब की देखरेख कर रहे हैं जजमान क्या आप जानते हैं जिसने ये मंदिर बनवाया है वो एक मुसलमान है क्या राम राम पंडित चाचा राम राम बेटा राम राम बेटा कहाँ से आ रहे हो बस पंडित चाचा आपके ही पास आ रहा था क्यों क्या हुआ अब्बा मस्जिद में फिरका परस्ती फैला रहे थे मैंने खत्म करा दी अयान धर्म के कामों में क्यों बोलते हो पंडित चाचा जो आपके यहाँ शास्त्रों में मना किया गया है
हमारे यहाँ कुरान में मना किया गया है, वो धर्म की बात कैसे हो सकती है? ये तो है। जय श्री राम। ओम राम राम राम। अरे राजू। हाँ। यहाँ आओ। जी भाई। ये क्या कर रहा था तू? वो आज मेरा रिजल्ट आने वाला है ना, इसलिए भगवान को नारियल चढ़ाने आया हूँ। आधी पूजा कर कर जाएगा तो क्या खाक पास होगा? आधी पूजा? पंडित जी जरा चाकू लेकर आइए। जी अभी लाया। तो ये नारियल का टुकड़ा उठा। जी भाई लीजिए। अरे बच्चों यहाँ आओ, आधा नारियल तुम खाओ और आधा नारियल तुम खाओ और जाओ। अब ये तेरी पूजा पूरी हुई। अगर ये नारियल तू इस मूर्ति के आगे ना चढ़ा कर भी ना इन गरीब बच्चों को खिला देता तो भी वो तुझसे ऊपर वाला राम इतना ही खुश होता। सच कहा बेटा, जब राम सामने हो तो और भी अच्छा है। अरे पंडित चाचा, ये राम नहीं है, ये रामचंद्र जी हैं, राम के चांद और उसके अवतार। इसलिए तो इन्होंने कहा था, हे राम रमे रमाहा, उस राम की पूजा करो जिस राम की ये रामचंद्र पूजा करता है। अच्छा। और इन पर आपसे ज्यादा आस्था तो मेरी है। एक आप हैं जिसकी अपने सगे भाई से भी लड़ाई है, और एक मैं हूँ जिस दिन से मैंने रामायण पढ़ी थी उसी दिन फैसला कर लिया था अपने अब्बा की दुकान, अपने अब्बा का मकान सब छोटे भाई को देकर चला जाऊंगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। इसलिए पंडित जी इन पर ज्यादा बड़ी आस्था ये है कि आप रामायण को पढ़ो समझो और इनके जीवन को अपने जीवन में उतारो, यही इनके लिए सबसे बड़ी आस्था की बात है। कभी शास्त्रों का संस्कृत का अनुवाद भी हिंदी में पढ़ लिया करो। अरे अब्बा क्या कह रहा था पंडित जी के कान में? कुछ नहीं। पंडित जी तुम इसे क्यों बिठाते हो अपने पास में? ना तो ये अपने बड़ों की इज्जत करते हैं और ना ही ये किसी को समझते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने साथ साथ ये तुम्हारा भी धन खराब कर दें। अब्बा बस ये पूछ रहा था, वो जो कुरान में लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, इसका क्या मतलब होता है? कह दो सारे जमाने से बावाज़े बुलंद, अल्लाह एक है। पंडित चाचा वो जो आपके शास्त्रों में लिखा है वो क्या लिखा है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, उसका क्या मतलब होता है? ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं। अब ये फैसला आप दोनों ही कर लो। क्या इंसान है पंडित जी, इस आदमी का नाम क्या है? आयान अली खान। आयान अली खान। चले हा? चले ठीक है चलते। अच्छा पंडित जी मिलते हैं। अच्छा पंडित जी नमस्ते। थैंक यू सो मच। चल अब्दुल इन्हें बाहर निकालो। बिरयानी लेने भेजा है। अरे तू चल लगाना। दे ये ले। ये ले तो ये ले। हां ये ले। अरे कुछ नहीं भाई, ये चीटिंग कर रहा है। नहीं भाई चीटिंग कोई नहीं, कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूं, कुछ तो लफड़ा है। तो चीटिंग कर रहा है। ए दिमाग का दही मत कर। कोई चीटिंग कर रहा है? मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा। इसका प्रॉब्लम यही है, ये जब पी लेता है ना तो चीटिंग करता है। देख भाई देख। अरे ए कोई चीटिंग कर रहा है? तू कर रहा है? छोड़ मेरे पीछे। घोड़ा घोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं नहीं नहीं, घोड़ा अंदर रख, इसे अंदर रख, पता देख। अच्छा चल यहां से बाहर निकलो। चल जा। तमाशा बना रखा है, ये घर है मेरा, कोई जुए खाना नहीं। चलिए चल। ए बस बात हो गया, निकलो यहां से। तेरी मां की थी यार तेरी सारे। अरे छोड़ 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 ले, अभी डाल दूंगा। रुक 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 ना तू। ए घोड़ा अंदर, घोड़ा अंदर, घोड़ा अंदर रख। मैं समझा कर दी इसने। तू इधर आ, तू इधर आ, इधर इधर आ। जा से चला आदा सड़े दिमाग। सुन ना यार, तू इधर आ ना, चुप कुछ मत बोल। मेरे पीछे इधर आ, चल आ जा। चले आ जा, आ जा इधर को, आ जा आ बैठ। ए तू चल ना, तू बैठ बैठ, तू बैठ, तू वो ध्यान से देख। हां समझा? और अब कुछ नहीं बोलेगा तू। ये मेरे आदमी हैं कहने को, मगर मेरी बात सुनते नहीं है। सुन सुन मेरी, सुन मेरी बात, सुनते नहीं है। मैं तेरे को छोड़ दूंगा मगर ये गोली मार देंगे। क्या समझा? अपना देख, मैं जो बोलूं वो कर, समझा? पर लेकिन तू कुछ 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 मत बोल।
देख मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा, मेरे बस में नहीं है, समझा? और आप कुछ नहीं बोलेगा तू? अरे चीटिंग कर रहा है यार ये, कितनी बार बोला इसको? सुना तुमने बताया नहीं वो मंदिर आया ने बनवाया था? He's a good man. क्या बताती? मंदिर से आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उससे उतनी बेइंतहा मोहब्बत करती हो। तुम्हें गलत लगा, मैं सिर्फ उसके अच्छे कामों को पसंद करती हूँ और उसकी बुराइयों से उतनी ही ज्यादा नफरत करती हूँ। अच्छा तुम उससे मिली कैसे? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे ट्रेन में बिठा दिया। आयान की कुछ ऐसी बातें हैं जिनका एहसास मैं कभी नहीं भुला सकती। तुम उसे दूसरा मौका देके देखो ना। आयान ने मुझे इतनी तकलीफें दी हैं कि उनकी आगे सारी अच्छाइयां बेकार हैं। चाहिए? अरे तुम तो उसके हस्बैंड हो ना? जी मैं सोना का हस्बैंड आयान हूँ। वो तो शिमला गई है अपने माँ के पास। मैंने सुना है वो तुमसे अलग हो गई है, तुम लोग का तलाक हो रहा है। किसने कहा आपसे हम लोगों का तलाक होने वाला है? तुम उसके पति हो और तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा तलाक होने वाला है? क्या बकवास कर रही हैं आप? अभी तो तेरी बीवी की कुर्ती पे खून है, सिर भी हो सकता था, अगली बार सिर होगा। राणा, छह गोलियां इसमें, एक गोली डालूंगा तेरी खोपड़ी तरबूज की तरह पिचक जाएगी। ठीक है, मार दे मुझे तू आज, मार दे मुझे। मार दे। पर तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। तेरी बीवी शिमला गई है ना, तुझे मालूम है मैंने उसे पहाड़ी के ऊपर से धक्का दिया तो उसकी लाश नहीं मिलेगी। नो केस, नो FIR, समझा? चाय है? हाँ ले गया ना। हाँ, 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 ला। चलता हूँ तिवारी जी। हेलो, कैसे हो आयान? अच्छा हुआ तूने मुझे फोन कर लिया, मैं तुझे कॉल करने ही वाला था। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? यार तू मेरे पास जल्दी से आ जा। क्या हुआ, कुछ बोलेगा अभी? तू आ जा, मिलकर बात करते हैं। इसे क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा है। अरे यार तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कभी कुछ बताया तक नहीं है, और ये सोना भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? और तूने तो अपना सब कुछ उनके नाम कर रखा है। तू तो जानता है मैंने सब कुछ उसी के लिए कमाया था, उसी को दे दिया। चल वो सब तो ठीक है,
पर ये शख्स कौन है जो तेरे पीछे पड़ा हुआ है? यार ये नवेद राणा, उसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। मुझे डराता है, धमकाता है, जान से मारने की धमकियां देता है, और उसे मेरे बारे में हर बात मालूम होती है। तू एक काम कर, इस नवेद राणा की सबसे पहले FIR कर मेरे थाने में, उसके बाद मैं इसे देखता हूँ कितना बड़ा बदमाश है ये। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू तो जानता है मैं एक राइटर हूँ, और फिर मीडिया मेरे पीछे लग जाएगी। अंडरवर्ल्ड डॉन, नवेद राणा की, मशहूर राइटर अयान अली खान को धमकी, और ये वो स्टोरी चुराने का आरोप, मैं इसे मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तू चाहता क्या है? यार मैं चाहता हूँ इस मैटर को तू अपने पर्सनल तौर पर टैकल कर और मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला। तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इसे अपने हिसाब से टैकल करता हूँ। अब चल कहीं चाय पीते हैं। हाँ चल चाय पीते हैं। चलिए। नवेद राणा नाम है मेरा। क्या? नवेद राणा, और मैं कोई बिल्ली मार नहीं हूँ। ये कहानी बिल्ली मारने से शुरू हुई थी, लेकिन कहानी का अंत तेरी मौत से होगा, समझ गया ना? तू कौन है? मैं इनका छोटा भाई। तू आगे देख। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। आखिर तुम्हें मुझे मारकर मिलेगा क्या? तसल्ली। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो कहानी मैंने लिखी, मैं एक राइटर हूँ, तुमने नहीं लिखी। और देखो, तुमने मुझे बताया था कि वो कहानी तुमने मई 2011 में लिखी थी। और वो जनवरी 2009 में मैं रजिस्ट्रेट करा चुका हूँ। और उसके ओरिजिनल हेड राइटिंग मेरे पास है पेपर। चल बेटा एक काम कर, वो जो उसकी कॉपी है ना, वो मेरे को चाहिए मेरे सामने। और उस बार तेरे को कुछ बोलूंगा नहीं, सीधा गोली दागूंगा तेरे कान के अंदर, समझा ना? वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो मेरे घर के बेसमेंट में पड़ी हुई है। बेसमेंट? हैंड रिटन कॉपी चाहिए मेरे को, समझा इसको भाई। ये कौन है भाई? हाँ सर, उठे तू। हैंड रिटन कॉपी? हाँ लूँगा, हाँ दे दूँ। हेलो अनीता। हेलो आयान, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बैठो। और कैसे आना हुआ? अनीता, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। देखो आयान, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। प्लीज़ अनीता। देखो, अगर तुम सोना के बारे में कुछ बात करने आए हो तो प्लीज़ उस बारे में मुझसे कोई बात मत करना। मैं तुमसे सोना के बारे में कोई बात नहीं करने आया हूँ। मैं जानता हूँ सोना इस शहर में नहीं है, पर तुम तो जानती हो जो हमारा पुराना घर था वो मैं सोना को दे चुका हूँ। उसकी अलमीरा में मेरे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सोना पहले कहीं भी जाती थी तो अक्सर उसकी चाबी तुम्हें देकर जाती थी। क्या उसकी चाबी तुम्हारे पास है? हाँ, वो चाबी मेरे ही पास है। प्लीज सिर्फ मुझे वो पेपर निकाल दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है आयान, शाम को तुम मेरे घर आ जाना, मैं वहां से पेपर निकाल कर दे दूंगी। थैंक यू अनीता। थैंक यू। अनीता, 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 तुम यहां बैठी हो? मैं तुम्हारे घर में तुम्हें देख रहा था।
अनीता, अनीता, ये देखिए। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? हाय अजय, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। रोहन, ये अजय। अजय, ये रोहन, मेरे फ्रेंड। हाय। हेलो। आओ बैठो। भाभी, मैं आपकी सहेली के मर्डर के बारे में आपसे कुछ बात करने आया हूँ, और फिलहाल मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, इस वक्त अपनी ड्यूटी पर हूँ। पूछिए, क्या पूछना है? मैं ये जानना चाहता था कि उस रात। माफी चाहता हूँ। देखिए, इस समय ये बहुत तकलीफ में है, अगर आपने पूछताछ बाद में कर लेते तो शायद अच्छा होता। क्या बात है, आपको इनकी बहुत फिक्र हो रही है, ये मेरी भाभी हैं, मैं दोबारा आकर इनसे पूछताछ कर लूंगा। शायद आपको पता नहीं है, इन्हें भाभी शब्द से बहुत ज्यादा नफरत है। शायद आप मोहब्बत को नहीं समझते हैं। ये वो शब्द है जो बेशक इन्हें ऊपर से बुरा लगता हो, लेकिन अंदर से इन्हें बहुत खुशी देता है। क्यों भाभी जी? एनीवे, मैं फिर आऊंगा। यू ओके? हाँ। साहब, चाय लाए हो? साहब, चाय लाया साहब, वहां रख दो। साहब, आपसे एक बात कहूं साहब? हाँ बोलो। बुरा मत मानना साहब, नौकर हूं, लेकिन आपका हमदर्द हूं साहब। कब तक ऐसा चलेगा साहब? कब तक आप अपने आप को कमरे के अंदर बंद रखोगे? साहब बाहर निकलिए साहब, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। फिर से आप अपनी जिंदगी की नई तरीके से शुरुआत कीजिए। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो साहब? आपके अंदर जो शैतान है ना, उसे बाहर निकल के फेंक दो साहब। ऐसे हिम्मत हार कर क्या मिलेगा? आज तुम्हारी बात सुनकर अब्बा याद आ गए। जानते हो, मैं भी अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक मुझे पहले जैसा बना दे, पर अब तो लगता है जैसे कोई दुआ कबूल ही नहीं होती। नहीं साहब, दुआ कबूल होती है, ये दुनिया वाले हैं ना, दुआ कबूल होने का इंतजार ही नहीं करते। मुझसे आपकी हालत देखे नहीं जाती, इसलिए मैंने आपसे कह दिया साहब, बुरा मत मानना साहब। अब्दुल, तुम मेरे अपने हो, इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र है, और जिनके लिए मैंने ये सब कुछ बनाया, उन्हें तो मेरी परवाह तक नहीं, उन्होंने तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। या अल्लाह, मेरे साहब का ख्याल रखना। बस यही जानना था आपकी फ्रेंड के बारे में, उसको मारने की वजह समझ नहीं पा रहा हूं मैं। अजय, उसके कातिल का पता लगाओ और जल्द से जल्द सजा दिलवाओ। मैं कोशिश करूंगा, पर एक बात पूछूं भाभी? हाँ बोलो। आपने अयान को अकेला क्यों छोड़ दिया? आप तो एक बहुत समझदार लड़की हैं। जिंदगी के कुछ अच्छे फैसले कभी कभी किसी मुकाम पर आकर गलत साबित होते हैं। हम इंसान का सब कुछ बदल सकते हैं, पर उसकी आदतें नहीं। पर हम जिनसे प्यार करते हैं
उनकी बुरी आदतों को मोहब्बत में नजरअंदाज करना पड़ता है। जिंदगी ऐसे ही गुजरती है। पर कुछ आदतें बर्दाश्त से बाहर होती हैं। पर भाभी। हेलो इंस्पेक्टर, मैं आप ही से मिलने आया था। मुझसे? मगर मुझसे क्यों? भाभी की फ्रेंड के मौत के दिन कहाँ पर थे आप? मैं शिमला में रहूंगा। सोच कर बताइए। देखिए, मुझे इतना याद नहीं, बट डेफिनेटली मैं शिमला में रहूंगा। मैं बताता हूँ कहाँ पर थे आप। आप सुबह 9 बजे वाली फ्लाइट से दिल्ली आए थे, शाम वाली फ्लाइट से वापस शिमला चले गए थे। क्यों आए थे आप? मैं दिल्ली आया था एक दिन के लिए। कनाडा एम्बेसी में मैंने अपना वीजा अप्लाई किया था, उसी सिलसिले में मैं आया था। यू आर राइट। एम्बेसी के अलावा और कहाँ कहाँ गए थे आप? आप इतने सवाल जब क्यों कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? बस कुछ याद दिलाना चाह रहा हूँ, और जब कहने का समय आएगा तो कहूँगा भी। ओके, अब चलता हूँ। वैसे रोहन जी, लगता है मुलाकातों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं? एक तरफ सोना मुझसे नाराज है, और एक तरफ ये राणा, पता नहीं कहां से आ गया ये। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, किसके पास जाऊं, किसे कहूं, क्या करूं? क्या हुआ साहब? कुछ नहीं साहब। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप परेशान हो? मैंने कहा ना, कुछ नहीं। जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। जी साहब, अभी लेकर आता हूं। बोल आयान। हेलो अजय। बोल, क्या बात है? मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। पुलिस प्रोटेक्शन? क्यों, क्या हुआ? वो मुझे मार देगा। अरे कौन मार डालेगा? तू यार ऐसा कर, अभी अभी घर आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं शाम को घर आता हूँ। मैं इंतजार करूंगा। साहब ये लीजिए पानी। नहीं चाहिए। ये क्या हो गया साहब को? पानी तो सही है, पता नहीं साहब के परेशान से रहते हैं। अच्छा आयान, मैं चलता हूं। रात बहुत हो गई है, अब जाकर क्या करेगा? आज यहीं रुक जा, दोनों साथ में ऊपर ही सोते हैं। देख मुझे तो नींद नहीं आ रही है। ऐसा करता हूं, आज तेरे घर की निगरानी मैं करता हूं, और वैसे भी तेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, मैं जाता हूँ सोने के लिए, जब नींद आए तो ऊपर आ जाना। तू सो जा, मैं आता हूँ। आयान, कुछ तो गड़बड़ है जो इतनी सारी प्रॉब्लम सामने आ रही है। वो तो है। Thank you.
अजय, 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 ये कहाँ चला गया? अजय, 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 राइटर साहब, आपके हाथ में कलम अच्छा लगता है, पिस्तौल नहीं। आपने तो खून कर दिया। ये खून मैंने नहीं किया। हर खूनी यही कहता है कि ये खून मैंने नहीं किया। चलो अच्छा हुआ ये भी पता लग गया कि आप चोर के साथ साथ खूनी भी हो। वाह भाई वाह। देखो ना, मैं चोर हूँ और ना ही मैं खूनी हूँ। मैं तो समझ गया कि तुम खूनी नहीं हो, मगर ये बात दुनिया को कैसे साबित करोगे कि ये खून तुमने नहीं किया? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी जो पिक्चर क्लिक हुई थी वो सबूत मेरे मोबाइल के कैमरे में आ चुका है। देखो, हेलो, अगर मैंने उसे वो ओरिजिनल पेपर नहीं दिखाया ना तो वो मुझे जान से मार देगा। अयान, तुम्हारे सारे ओरिजिनल हैंडराइटिंग के पेपर नीचे बेसमेंट की अलमारी में हैं। सोना, प्लीज प्लीज एक मौका देकर देखो मुझे। मैं बदल चुका हूं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा सोना। एक बार मुझे माफ कर दो सोना। हाय सोना। हेलो रोहन। अयान, ये रोहन मेरे दोस्त हैं। हाय रोहन सेठ। मैं अयान, अयान अली खान, और ये मेरी वाइफ सोना अयान। तुमने ये कैसा राबता रखा? ना करीब आए ना फासला रखा। फरेबी भी हूँ, जिद्दी भी, और बदकलाम भी। मासूमियत खो दी मैंने वफा करते करते। अयान साहब, शायद आप भूल रहे हैं, आपका तलाक होने वाला है इनसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? और तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाले? ये मेरी वाइफ है, मैं इसे तलाक दूं या ना दूं तुमसे क्या मतलब? अयान, तुम किस तरह से मेरे दोस्त से बात कर रहे हो? अपने दोस्त से कहो ये हमारा हस्बैंड वाइफ के बीच का मसला है, इसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और इसकी हिम्मत तो देखो, ऐसे ही मुंह उठाए हमारे घर में चला रहा है। अयान, वो यहाँ खुद नहीं आए हैं, मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है? शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? क्या तुम इतने गिर सकते हो? मैंने सोचा भी नहीं था अयान। गिरा हुआ इंसान मैं हूँ, गैर मर्दों को घर में तुम बुलाओ और गिरा हुआ इंसान मैं। अयान, मैं तुमसे कह रही हूँ तुम इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अयान सुना, प्लीज प्लीज अंदर चलो, अंदर चलो। अरे मेरी बात का जवाब देकर तो जाओ, गिरा हुआ मैं हूँ या तुम? अयान, तुम जाते हो कि नहीं मेरे घर से? अभी इसी वक्त निकलो, निकलो। चलो अंदर आ जाओ प्लीज। गिरा हुआ बोलती है, मैं गिरा हुआ हूँ। चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ प्लीज। रोहन, I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। It's okay, it's okay, it's okay, प्लीज तुम चुप हो जाओ। टूटा
खबर, जाने किस गुरूर में था मैं बेखबर। खींचे मुझे तेरी और यादों की कशिश। सफर सहरा का है गमों की तपिश, खींचे मुझे तेरी और यादों की कशिश। फूल बन गए हैं शूल तेरे बिना, जिंद ये नहीं कबूल तेरे बिना। गाड़ी पीछे ले ना आयान साहब, गुस्सा दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता, गाड़ी पीछे करो। तेरी तो तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना यह चाहता हूं, ना तो यह तेरा घर है और ना ही मैं तेरी बीवी, जिसके लिए मैं तुझे बर्दाश्त करूं। क्या बोला तू मेरी बीवी के बारे में? अभी तक तो कुछ नहीं बोला। ना बोलना, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। I love Sona. Ugh.
हेलो आयान, तुम इस तरह की हरकतों पे उतर आए हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने रोहन के साथ मारपीट की। कोई मुझसे ये कहे कि वो मेरी बीवी से प्यार करता है तो क्या गले लगा लूं उसे? तुम्हारा दोस्त था इसलिए छोड़ दिया, वरना जान से मार देता। अगर तुमने इस तरह की हरकत दोबारा की आयान, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ तुम रोहन से माफी मांगो। मैं उस दो टके के आदमी से माफी मांगू? हरगिज नहीं मांगूंगा। अगर तुमने उसे माफी नहीं मांगी तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। सोना, तुम्हारी ये जिदें ही हैं जिन्होंने आज हम दोनों के बीच में इतनी दूरी पैदा कर दी। मेरी जिद या तुम्हारी जिद? तुम्हारी गलतियों की वजह से हमारे बीच में दूरियां आई हैं। काश तुम में आयान ये जिद और अकड़ नहीं होती तो आज हम लोग साथ होते। थोड़ा तो प्यार किया होता आयान मुझसे, थोड़ा तो। पर तुम्हें कभी मेरा एहसास नहीं था, कभी तुम्हें मुझसे प्यार था ही नहीं। तुम कभी नहीं बदल सकते। हेलो, हेलो। मैं जितनी बात बनाना चाहता हूं उतनी ही बिगड़ जाती है। हेलो सोना, तुम तो जानती हो मुझे कोई जान से मारना चाहता है। बस तुम जो मेरी ओरिजिनल कॉपीराइट के पेपर है वो मुझे दे दो और अपने लॉयर को मेरे घर भेज देना, मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और हमेशा तुमसे ही करता रहूंगा। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं आयान बोल रहा हूँ। बोलिए आयान साहब, कुछ बोलने को रह गया बाकी तो वो भी बोल दीजिए। मुझे लगता है कल हम दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी। क्या बात है, इतनी जल्दी सुर बदल गए आपके? सोना तो मुझे गलत समझती ही है और आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया सोना ने आपसे? वो समझ रही है मैंने आपको मारने की प्लानिंग की थी, पर आप तो जानते हैं हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। आयान साहब, आप सचमुच बदल गए हैं। क्या हम दोनों बैठकर बात कर सकते हैं? जी हाँ। क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। प्लीज, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं आता हूँ। अरे भाभी जी, आप? अब्दुल भाई, कैसे हैं आप? भाभी जी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आपके बगैर साहब बहुत अधूरे। अब्दुल भाई, आप सोच भी नहीं सकते उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। देखिए भाभी जी, मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। मैं मानती हूँ कि मियाँ बीवी के बीच में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पर उस दिन तो आयान ने हद कर दी जब उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि वो मुस्लिम और मैं ईसाई हूँ। नहीं भाभी जी, आप गलतफहमी हो गई। भाभी जी, वो मुसलमानों पे नहीं रोए, वो तो उन बेगुनाह इंसानों पे रोए जो मारे गए। भाभी जी, जब दंगा होते हुए उन्होंने देखा तो मुझसे कहा कि मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसका मकसद लोगों को ये समझाना होगा किसी भी वजह से किसी एक इंसान का बेवजह कत्ल करना यानी कि सारे इंसानियत को कत्ल करने के बराबर होगा, वो चाहे हिंदू होने के नाते करे या मुसलमान होने के नाते कत्ल करे। वो किताब लिखने में इतने खो गए कि जिससे दुनिया में इतना चाहते थे उसी का बीच में बोलना बर्दाश्त नहीं कर पाए। भाभी जी, उनकी दुनिया आप हो, वो आपसे प्यार करते हैं भाभी, आपसे। मुझे डर है भाभी जी, वो अपनी दुनिया को वापस लाने की कोशिश में कभी अपने आप को ना खो दे। भाभी जी, लौट आइए, भाभी जी लौट आइए। खुदा हाफिज भाभी जी। बस उस दिन जो मेरे और आपके बीच हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज, एक बार फिर आपसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए आन जी, जो हुआ है वो हो चुका है, जाने दीजिए, कुछ और बात करते हैं यार। हाँ, कुछ और बात करते हैं। मैं इतना बड़ा राइटर हूं, लाखों लोग मुझे अपना आइडियल मानते हैं,
बहुत सारे लोगों की नजर में मैं हीरो हूँ और ऐसी छोटी छोटी गिरी हुई हरकतें करता हूँ। एंजी देखिए, जो हुआ है वो हो चुका है। अगर मेरे दिन में आपके लिए कोई भी बुराई होती तो मैं यहाँ नहीं आता। जहां तक मुझे लग रहा है आपकी परेशानी की वजह कुछ और है। मेरी परेशानी की पहली वजह तो सोना की बेरुखी है, और दूसरी? दूसरी वजह वो नवेद राणा। नवेद राणा ये कौन है? मेरी परेशानी की यही सारी वजह है। तो आपने पुलिस पे कंप्लेंट क्यों नहीं की? नहीं, मेरे दोस्त अजय की मौत के बाद मैं बहुत डर सा गया था। हाँ, सॉरी, एक मिनट। हाँ सोना। रोहन कहाँ हो तुम? मैं एंजी के यहाँ हूँ। क्या? हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। मतलब? मतलब ये कि हमारे बीच में जो झगड़ा हुआ है ना, उसके लिए मुझसे माफी मांगना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात। रोहन, रोहन मेरी बात तो सुनो। रोहन यही है वो, यही है वो। रोहन ये मुझे मार देगा। रोहन रोहन मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। रोहन मुझे बचा लो। नहीं, तुम भी? इस नवेद राणा की कहानी मैंने इसलिए बनाई थी कि जब मेरी वाइफ को पता चलेगा कि कोई मुझे जान से मारना चाहता है तो वो मेरे पास लौट आएगी। पर तुम सबने ये नहीं होने दिया। मतलब? ये सब सिर्फ एक इश्क की इंतहा है। मतलब? मतलब ये, मैं ऐसा नहीं था पर सोना की दीवानगी ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। तू क्या समझता है उसके मेरे बीच में आने वाले को मैं छोड़ दूंगा? उसके मेरे बीच में आने वाला कोई भी हो, अरे वो मुझसे नाराज क्या हुई? उसकी वो सहेली, उसने उसे शिमला ही भेज दिया। मैंने उस सहेली को ऊपर ही भेज दिया। और वो मेरा दोस्त, वो मेरे बचपन का दोस्त अजय, उसे तो मुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। साला इंस्पेक्टर क्या बना, मुझ पर ही शक करने लगा। मुझे उसे भी मारना पड़ा, उसे भी मारना पड़ा। बेटे, जितनी गोलियां तूने जिंदगी में चलाई है ना, उतनी मैंने सीने पर खाई हैं। पुलिस वाला हूँ, आंडू पांडू मत समझना। अजय मार दे इसे, मार दे इसे, मार दे इसे। उसे भी मारना पड़ा। मैं तो ऐसा कभी नहीं था, मैं तो कभी किसी का खून करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पर सोना की मोहब्बत की इंतहा ने मुझे ऐसा बना दिया, और उसके मेरे बीच में आने वाली किसी भी हस्ती को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर पूरी दुनिया उसके मेरे बीच में आएगी तो पूरी दुनिया को मिटा दूंगा। उसके मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, तू भी नहीं आ सकता। पकड़ो इसे।
Yeah!
सोना, सोना, आयान, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी खातिर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? आयान, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना प्यार मैं तुम्हें पहले करती थी। क्या? मैं तो समझा तुम रोहन से शादी करने वाली है। मैं रोहन से शादी नहीं करने वाली। आज फिर मैंने तुम्हें बातें बातें खो दिया। आयान, मुझे माफ कर दो। मैंने एक नेक दिल इंसान को मुजरिम बनने पर मजबूर कर दिया। या खुदा, मैं ये क्यों भूल गया? शैतान का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ लेकर जाता है।